दस पॉइंट हो गई हैं, दो पीछे लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शान सलीम, उम्मीद करता हूँ तुम्हारा खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। छः बज चुके हैं सुबह के, आठवां रोज़ा, तो अभी लेने चले हैं भूसा, तो कुछ लोग तूड़ी भी कहते हैं, वो जानवरों के लिए होती है, तो कुछ हमारे खेत में अभी पड़ी थी, तो आज ट्रॉली ट्रैक्टर पर ले आएंगे। चलते हैं ट्रैक्टर ले जी, निकल आया जी शहजादा ट्रैक्टर 480 फीएट। तो धूल मट्टी देखें ऊपर कितनी, ये कभी कभी निकालना आता है जब हल चलाने होते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद आज निकाला है, काफ़ी बुरी हालत है। तेल पहले चेक किया है, गुजारा काट जाएगा, अभी पानी कुछ डाला है, फुल हो गई टंकी। ये है हमारी कमज़ोर सी ट्रॉली, टायर भी फटा हुआ है। जी जैन भाई ले आए हैं पंजी, इसके साथ आसानी के साथ तूड़ी डाल जाएगी, ट्रॉली डलवाएँ। चारा अभी काटने वाला है, तो अबू जान कह रहे थे कि पहले तूड़ी ले आए भूसा और फिर बाद में चारा काट लेंगे। सूरज माशाल्लाह से तलू हो चुका है, गंदम की फसलें ही फसलें हैं हर तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ये आ गए हैं खेत के करीब जहाँ से भूसा उठाएंगे, तो इधर से रास्ता नहीं जाता, साथ में अमरूद के बाग में से जाएंगे। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से गंदम की फसल है, 2 एकड़ अभी बिल्कुल पक चुकी है, 1.5 एकड़ तीसरे मरबा में है, वो उस साइड पे है भाई, इसकी कटाई करनी चाहिए अब। 6:40 का टाइम हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह खेत में पहुंच आए हैं, तो अमरूद का बाग है माशाल्लाह से। गंदम की फसलें, ट्रैक्टर बैक करने का ट्रॉली मसला था, तो सामने जगह मिल गई थी, उधर से बैक करके अभी सीधा कर लिया। बहुत अच्छा बैक किया। ट्रॉली बैक करना सबसे मुश्किल काम होता है ड्राइविंग में से, जो ट्रॉली बैक कर ले वो सीनियर प्लेयर होता है ट्रैक्टर चलाने का। अभी पल्लियाँ इनमें डालेंगे तूड़ी, ये तो लेकर आए थे एक त्रिंगल और एक चारा डालने वाली। माशाल्लाह ये अमरूद पक पक के नीचे कितने गिरे हैं, लाया था पल्ली। अभी तूड़ी जो बॉस लोड करने का काम है जारी, भाई एक न्यू आ गए हैं हमारे पास, सबों के फ्रेंड हैं, साथ में कुछ हेल्प करवा देंगे, पर पहले छत पर लेंगे खुली फेंक के, पीछे 2 पंड लगा के फिर ऊपर बाकी पंड लगा लेंगे। ये पीछे ही रख दे हो हैं, दो पंड पीछे लगाई हैं, बाकी तूड़ी प्रेस करके छत फुल हो गई है। टीका लगाना पैना आज, फिर बंदा चंगा नीया ताला आठ कावन का तकरीबन टाइम हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटे में हमने तूड़ी जो है लोड कर ली है। भाई आ गए थे, उनका बहुत शुक्रिया, अबू के फ्रेंड हैं, उन्होंने काफ़ी हिम्मत करवाई। हमारे तो रोज़े थे अभी, 2, 2, 4, 6, 3 उस तरफ नीचे लगाई, 9 और 1 उधर से, अभी बाकी है पंड, 10 पंड हो गई हैं, 2 पीछे लगाई हुई हैं, 11, 12 नीचे से पहले छत फुल की थी। ये भाई क्या सूरत हाल है,
यार काफ़ी गर्मी है। अबू जान को काफ़ी टेंशन थी, कह रहे थे कि तूड़ी घर चले जाए, क्योंकि रोज़ रेडी पे यहाँ से फिर एक पंड लेकर जाते थे, चारा भी काटना होता है, ये इकट्ठी चले जाएगी, फिर 10-12 दिन निकल जाएंगे और फिर वैसे भी न्यू आ जाएगी तूड़ी, क्योंकि गंदम की कटाई अभी शुरू हो जानी है, गंदम की बनती है ये। अभी तूड़ी लोड करके निकल आए हैं खेत से, दो ट्राली फुल की हुई है, तो एक पंड जो है वो भाई को दिया है जिन्होंने लोड करवाई है, अबू के फ्रेंड ने, साइकिल पर आए हैं तो राका ले जाएंगे। चलो ठीक हो गया। 9:22 का टाइम हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच आए हैं घर। सूरज भी भाई सब फुल तेज़ हो गया है, चारा भी अभी काटने वाला है, फुल आ गई तोसा कर। आज भाई को छुट्टी कॉलेज से, संडे है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा आज का दिन? अभी तक तो दिन शुरू भी नहीं हुआ, 9:30 का टाइम हुआ है, अभी आगे पता चलेगा। क्या तो भाई यार जी, जैन भाई को आज रोज़ा बताएगा फुल गर्मी में। अच्छा है रोज़ा। तो भाई जो फैसला हुआ तो आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं? इमरान खान भी ठीक है, पता नहीं चल रहा कौन ठीक है अभी, इमरान खान लग रहा है अभी। यार इमरान खान ठीक है मेरे ख्याल। भाई जैन तो सपोर्टर है इमरान खान के, रात को फैसला हो गया, इमरान खान को कह रहे हैं कि उतार दिया वज़ीरे आज़म की सीट से। कुछ टाइम सो गए थे तो अभी काफ़ी तेज़ धूप निकल आई हुई है, तो ट्रॉली खड़ी हुई है तोड़ी की, अभी तो नहीं उतार रहा है क्योंकि रोज़ा है इसलिए, तो बाद में शाम को या सुबह उतार के अंदर रख देंगे सब पोसा जो है। तो अभी जैन भाई ने चारा उतारना कर दिया है जी शुरू, फुल रेडी लोड करके अबू जान ले आए हैं। हम तो सो ही रहे थे, अबू जान अकेले ही गए थे, पहले सुबह कुछ काटा हुआ था चारा, कुछ अभी काटा है। साकिब देख रहे हैं कार्टून, स्नैक वीडियो चल रही है, स्कूल से छुट्टी है आज। काम वगैरह लिख लिया है स्कूल का? लिखा हुआ है, कोई लिखने वाला है? लिख लेना था। तो इधर LCD पे ड्रामा चल रहा है, कौन सा ड्रामा है? ये बदजात ड्रामा है, बदजात। 3:30 का टाइम हुआ है, लाइट चली गई हुई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। नमाज़ ज़ोहर भी अदा करते हैं, तो नमाज़ पढ़ ली आपने? जी पढ़ ली। नमाज़ ज़ोहर अदा की थी, लेट ही हो गई थोड़ी, और कुरान पाक का एक परा पढ़ा माशाल्लाह, पढ़ा करें आप लोग भी कुरान पाक माह रमज़ान में, बहुत स्वाद है। जैसे ही घर आया भाई आतफ कह रहे थे कुछ घर का सामान लेकर आने वाला है, अभी सिटी की तरफ जा रहे हैं। पाँच बजे का टाइम हो गया, पहुँचे हैं सिटी, आज सामान लेंगे सस्ता बाज़ार रमज़ान। भाई पहले भी आप लेकर जाते हैं यहाँ से सामान? तीन बार मैं आया था यहाँ पर, कुछ अच्छा मिल जाता था। अलग-अलग जगह बनाई हुई है, इस तरफ से आटा, बाकी सामान सब्ज़ी फ्रूट, लिस्ट लगी हुई हैं प्राइसेस की, बिल्कुल रायत प्राइस पे। ये देखें प्राइसेस, ये हर तरह का फल है, केले अमरूद खरबूजा, माशाल्लाह 2 kg लिया है खरबूजा। इस तरफ करियाना का सामान, उधर चिकन, इधर से खरबूजा लिया, तो बाकी कुछ सामान लेना है वो यहाँ से नहीं मिल रहा। कुछ खास चीज़ें होती हैं जो रमज़ान बाज़ार में हैं। अभी ड्रिंक करने से कुछ सामान लिया है, लेज हैं, बिस्किट और टैंक है, बोतल आ गई हैं गोरने की, तो छपरे पा दे। अभी 415 रुपये बिल बना है ये इस सामान का। विकास बुक डिपो एंड स्टेशनरी, कितने का मिला है रजिस्टर? 100 रुपये का है, चाइना का काफ़ी अच्छा है। छिलका लेना था, बाज़ार से नहीं याद रहा, बाज़ार से याद नहीं रहा, दुबई से भी लिया है शायद ने। अच्छा पर भी एक दे दे बोतल पा दे, जाते ही इफ्तार करके रोज़ा पियेंगे पूरी। रमज़ान बाज़ार में कुछ चीज़ें रायत मिल जाती हैं, सामान अल्हम्दुलिल्लाह से छोटा छोटा ले लिया था। असर के बाद रोज़े का थोड़ा पता चलता है कि रोज़ा पी रखा हुआ है, थोड़ा गला खुश्क हो जाता है। सूरज साहिब भी चले गए हैं मगरिब की तरफ, लेकर जा रहे हैं चारा। बाइक्स पे चारा लेकर जाना थोड़ा मुझे अजीब लगता है, आजकल तो लोगों ने बाइक के साथ रेड़ियाँ बांधी हुई हैं। नाले की भी सफाई हो गई है माशाल्लाह। अभी कुछ 5:40 का टाइम हो गया, नमाज़ असर अभी अदा की है। ट्राली से तूड़ी जो है अबू जान ने उतार दी है सारी, अभी हो गई है खाली, ट्रॉली बाई लगा देते हैं और ट्रैक्टर आगे से लगा के अंदर खड़ा कर देते हैं। आपको दिखाते हैं कि तूड़ी जो है पोसा अंदर सब स्टोर कर दिया है, ये पहले वाला कुछ था, ये इधर भाई सब रूम में बरामदा में फुल हो गया। ये बकरी भी छूट गई है, रुक जा, पकड़े भाई आगे से। जैसे ही बकरी खुल जाती है इसको तो पता नहीं क्या हो जाता है। बिस्मिल्लाह। ये कुछ मेहमान आ गए हैं हमारे, ट्रॉली तो लगा दी है। ट्रैक्टर खड़ा करना था अंदर,
आगे कार आ गई मेहमानों की, तो अभी बाद में करते हैं, एक साइड पे भी लगा दिया। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं जी खत्म। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।